सुप्रभात हिमाचल, तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। शिमला के चांशल, धर्मशाला के धौलाधार में सीजन का पहला हिमपात। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चांशल और धर्मशाला के धौलाधार में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। मानसून विदा होने के 8 दिन बाद ही पिछले कल किन्नौर, लाहौल स्पीति, सांचपांस, दर्रे ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। 10 सेंटीमीटर से लेकर 1 फीट तक ताजा हिमपात हुआ है। यही नहीं, प्रदेश भर में सोमवार रात से मंगलवार दोपहर तक करीब 12 घंटे तक झमाझम बारिश होती रही, इससे मौसम में ठंडक बढ़ गई। 26 साल से अजय सुंदरनगर को हराकर ऊना बना हॉकी का सरताज। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स हॉस्टल ऊना के सी राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता के विजेता का ताज सजा है। इंदिरा खेल मैदान के एस्ट्रो पर हुए पुरुषों के अंडर 19 हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में ऊना ने स्पोर्ट्स हॉस्टल सुंदरनगर को मात दी। हार के साथ ही सुंदरनगर का इस खिताब पर 26 साल का दबदबा खत्म हो गया। वहीं सुंदरनगर हॉस्टल इस खिताब पर बीते 26 साल से काबिज रहा ऊना की टीम ने 5-2 अंकों के अंतर से विपक्षी टीम को हराया। वहीं सर्वाधिक 3 गोल सतविंदर सिंह ने दागे। परिवहन मंत्री बोले, शिमला शहर में HRTC की सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही चलेंगी। शिमला शहर में हिमाचल पथ परिवहन निगम की सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही चलेंगी। शिमला को पूरी तरह स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सभी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। शिमला से धर्मशाला और मनाली के लिए वोल्वो बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद खास बातचीत के दौरान परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के सुगम संचालन के लिए शिमला में आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में HRTC की तारादेवी वर्कशॉप में 3.60 करोड़ की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और वर्कशॉप तैयार की जाएगी। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा महिला मोर्चा ने मांगी 17 सीटें। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा ने आगामी विधानसभा चुनाव में 17 सीटें दिए जाने की मांग की है। अगर पार्टी हाईकमान उनकी इस मांग को स्वीकार करता है तो भाजपा को प्रदेश के हर जिले में कम से कम 1 सीट महिला प्रत्याशी को उतारना होगा। ऊना के अंब में रश्मिधर ने कहा कि देखते हैं कि संगठन इसमें कितनी सीटें देता है। वहीं यह सुनिश्चित है कि भाजपा ही सबसे ज़्यादा सीटों पर महिला प्रत्याशियों को टिकट देगी। महिलाओं को अपने स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। लंपी से हर रोज 150 पशुओं की मौत। प्रदेश में अब तक बीमारी का शिकार बने 7,500 मवेशी। हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस से मरने वाले पशुओं का आंकड़ा 7,500 को पार कर गया है। हर दिन लंपी वायरस के कारण 150 के करीब पशुओं की मौत हो रही है। सरकार व विभाग के सभी इंतजाम लंपी वायरस के सामने धराशायी हो गए हैं। तेजी से बढ़ रहे लंपी वायरस से पशुपालकों की समस्याएं बढ़ रही हैं। पशुपालकों ने सरकार से मांग उठाई है कि वायरस को रोकने के उचित कदम उठाए जाएं। पशुओं की मौत के कारण पशुपालकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। नुकसान की भरपाई के लिए सरकार मुआवजा भी प्रदान करें। वहीं हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस का संक्रमण बेकाबू हो रहा है। देवी देवताओं के नजराने और बजंतरियों के मानदेय में 15% बढ़ोतरी, दूरी भत्ता भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू दशहरा के समापन पर देश समाज को खुश कर दिया। ढालपुर के अटल सदन के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने कुल्लू घाटी के देवी देवताओं के नजराने में 15% और बजंतरियों के मानदेय में भी 15% की वृद्धि करने की घोषणा की। उन्होंने कुल्लू दशहरा के लिए दूर दूर से आने वाले देवताओं के दूरी भत्ते में 20% की बढ़ोतरी की। इसके अलावा मनाली, बंजार, मणिकर्ण से आने वाले देवी देवताओं को भी अब 1500 रुपये का भत्ता मिलेगा। इन देवताओं को दूरी भत्ता नहीं दिया जाता था। उन्होंने हरिपुर और मणिकर्ण में दशहरे के आयोजन के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 और वशिष्ठ में दशहरा के लिए 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की भी घोषणा की। मतदान से पहले सड़कों का उचित रखरखाव करें, लोक निर्माण विभाग CEO ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने लोक निर्माण विभाग को मतदान केंद्रों तक सड़कों का समुचित रखरखाव और अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से भूस्खलन और मार्ग अवरुद्ध होने की संभावना रहती है। सुखू बोले, CM जयराम के नाम होगी सबसे ज्यादा कर्ज लेने की उपलब्धि।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर्ज ले रही है। चुनावी रैलियां करने पर सरकारी पैसे को उड़ाया जा रहा है। स्कूलों में शिक्षकों और स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर और अन्य स्टाफ की भारी कमी है। ग्रामीण इलाकों में सड़क की हालत खस्ता बनी हुई है। सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सुक्खू ने कहा कि जयराम सरकार इस चुनावी साल में हर माह कर्ज ले रही है। वहीं सुक्खू ने कहा कि आजकल सरकार 1000 करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में है। इससे पहले जुलाई में 1000 करोड़ रुपये, अगस्त में 1500 करोड़ रुपये, सितंबर में 2500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कर्ज लेने की उपलब्धि के लिए याद रखा जाएगा। पहले की सरकारों ने कुल जितना कर्ज लिया है उतना कर्ज अकेले जयराम सरकार अब तक ले चुकी है। टर्म एक की परीक्षा से वंचित रहे विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा बोर्ड देगा मौका। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड टर्म एक की परीक्षाओं से वंचित रहे अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए एक और मौका देगा। इस दौरान वे अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे जो अग्निवीर भर्ती, खेल टूर्नामेंट या बादल फटने की घटना के कारण परीक्षा देने के लिए स्कूल नहीं पहुंच सके थे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि इसके लिए संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों से ऐसे परीक्षार्थियों की सूची 22 अक्टूबर तक उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। लेवल 4 में ही रहेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, आईटी भर्ती नियमों में संशोधन में गलती सुधारी। राज्य सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के भर्ती नियमों में संशोधन के दौरान हुई गलती को सुधार लिया है और इनके लिए 5 साल की सेवा के बाद दिए गए लेवल 10 फिक्सेशन को वापस ले लिया है। सोमवार को डेट में इस बारे में संशोधित भर्ती नियम जारी हुए हैं। इस अधिसूचना के अनुसार JOIIT अब लेवल 4 में ही रहेंगे, जबकि पहले इन्हें 5 साल की सेवा के बाद सीधा लेवल 10 में दर्शाया गया था। कार्मिक विभाग ने तर्क दिया था कि यह गलती हुई है और पब्लिक सर्विस कमीशन से आए एक रेफरेंस से इस बारे में धोखा लगा। इसके बाद विधि विभाग की सलाह के बाद कैबिनेट से भर्ती नियमों में बदलाव की अनुमति लेनी पड़ी और फिर जाकर अधिसूचना जारी हुई। सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, सिलाई अध्यापकों को तोहफा, जाने बड़े फैसले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पिछले कल शिमला में आयोजित की गई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में दंत चिकित्सा अधिकारियों के 104 पद सृजित कर अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। इनमें से 50% पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे और 50% पद बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयुष विभाग के तहत 22 होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इन केंद्रों के प्रबंधन के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 22 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायकों के 164 नव सृजित पदों और रिक्त पदों को कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में ग्राम पंचायतों में लगातार 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाली सिलाई अध्यापकों को तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के दैनिक वेतन वर्तमान में 396 रुपये प्रतिदिन के आधार पर मासिक वेतन प्रदान करने को मंजूरी दी। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।